मित्रों, आज का अपना मुहावरा है दूज का चांद होना। इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना अथवा दर्शन दुर्लभ होना। इसको हम वाक्य में प्रयोग करके समझते हैं। बहुत बार सरकारी अफसर से मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन वे मिले नहीं। अफसर लोग तो आजकल दूज का चांद हो रहे हैं। इस वाक्य से यह भाव प्रकट हो रहा है कि यदि आप किसी काम से सरकारी दफ्तर में गए हैं, तो वहां आपको कोई अफसर नहीं मिलेगा। कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रायः अफसर लोग दफ्तर से बाहर ही रहते हैं। उनसे मिलना मानो भगवान से मिलना जैसा कठिन होता है। दूसरे वाक्य में देखिए, जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम दूज के चांद हो गए थे, अब जब काम नहीं है तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हो। इस वाक्य से यह भाव ध्वनित हो रहा है कि जब किसी की जरूरत होती है तब वह मिलता नहीं। हजार कोशिश कर लो, कोई ना कोई मिलने में अड़चन आ ही जाता है, और जब काम हो जाता है तो संयोग से वह व्यक्ति हमेशा साथ ही रहता है। तीसरे वाक्य में देखिए, दूज का चांद से नहीं बच सकोगे समझे, इस नाटक में तुम्हें नायक की भूमिका निभानी ही पड़ेगी। इस वाक्य से यह भाव प्रकट हो रहा है कि यदि काम से तुम भागना चाहते हो तो वह भाग नहीं सकते। जो काम तुम्हें सौंपा जाएगा उसे तो करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। अभी तुम काफी समय पर दिखाई दिए हो तो कोई बात नहीं, काम के समय तो काम करना ही पड़ेगा। अगले वाक्य में देखिए, जब चुनावी गहमा गहमी खत्म हो जाती है तब नेता लोग दूज के चांद हो जाते हैं। इस वाक्य का भाव यह है कि चुनाव के समय सारे ऐशो आराम छोड़कर नेता लोग जनता के बीच में रात दिन रहते हैं। दिखावे के लिए उनके साथ खाते पीते सोते उठते बैठते हैं, पर जब चुनाव खत्म हो जाता है नेता लोग राजधानी पहुंच जाते हैं, फिर उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है, फिर तो कभी कभार ही जनता के बीच में दिखाई देते हैं। इस वाक्य में देखिए, दूज का चांद बनकर भी क्या फायदा दादाजी, रहना तो इसी समाज में है ना। इस वाक्य का यह भाव हो सकता है कि समझदार लोग कभी भी घर परिवार समाज से कटकर नहीं रहते, बल्कि जुड़कर रहते। कोई पद या धन संपत्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। समाज को जब जरूरत होती है तब उनके बीच में पहुंच जाते हैं। होना भी यही चाहिए, सामाजिक जीवन में यही आनंद मिलता है। एक नए मुहावरे के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।